बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज की जो हमारी वीडियो है वो हिना कोटेड हेयर्स के ऊपर है। इन क्लाइंट ने जो है वो मेहंदी लगाई हुई थी अपने बालों के ऊपर और इनको हम जो है वो मुहागनी शेड दे रहे हैं। 5.66 का जो है वो कलर हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे और 30 और 40 वॉल्यूम मिक्स करके हम इनके एंड्स पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो इसके ऊपर हम कलर लगाएंगे वो 30 वॉल्यूम में लगाएंगे और जो रूट्स में हम कलर लगाएंगे वो 20 वॉल्यूम में लगाएंगे। तो अभी जो है वो मैं 30 और 40 वॉल्यूम में मिक्स करके जो मोहागनी शेड है हम वो लगाएंगे, क्योंकि कभी भी मेहंदी के ऊपर आप ब्राउन कलर लगाने की कोशिश भी ना कीजिएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाता है बालों के ऊपर ब्राउन कलर लेके आना। तो कोशिश करें कि जिन लोगों ने मेहंदी लगाई होती है, हिना कोटेड जो कलर हेयर होते हैं उनके ऊपर आप रेड, मोहागनी और कॉपर शेड में जाएं। अभी जो है हमने कंप्लीट इनको जो है वो तीनों वॉल्यूम्स के साथ फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद हम एक घंटे के वेट के बाद इनका वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि आपको जो है वो कैसा लगता है। ये है जी इनका बाल स्ट्रेट करने के बाद फाइनल रिजल्ट, और कहीं भी पैचेस नहीं है, कहीं पर भी कोई बुरा शेड नहीं है, बहुत ही खूबसूरत अच्छा मोहागनी शेड आया है, बहुत ही प्यारा और डार्क शेड है, बिल्कुल भी लाइट और बुरा सा शेड नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरा कलर पसंद आया होगा। अगर आप भी इस तरह का कलर करवाना चाहें तो आप मेरे पार्लर ज़रूर तशरीफ़ ले आएँ। बहुत ही मुनासिब चार्जेस हैं हमारे सैलून के और आप जौन सा भी कलर आपको पसंद आएगा आप उसी तरह का कलर करवा सकते हैं। जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, तो आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा थोड़ा हौसला बढ़ जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई कमी बेशी लगती है वीडियो में तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।